How to fix Realme and Oppo auto rotate problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ऑटो रोटेट प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हैं. ठीक है, अगर दोस्तों आपका ऑटो रोटेट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप कैसे उसको फिक्स कर सकते हैं. मान लीजिए दोस्तों, आपका जो मोबाइल है उसमें ऑटोमेटिक रोटेशन हो रहा है, ठीक है, और दोस्तों आपको पता नहीं है यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको फिक्स्ड कैसे करना है. तो अगर दोस्तों आपको भी जानना है तो इस वीडियो को देखें और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. लेकिन दोस्तों मान लीजिए ऑटो रोटेट काम नहीं कर रहा है, तो कैसे करके आपको प्रॉब्लम फिक्स करना है, तो उसका भी मैं इस वीडियो पर सॉल्यूशन बताने वाला हूँ. ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, सारे जो सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा. लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें. यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं. तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा. ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर मोबाइल को रिस्टार्ट करेंगे. मोबाइल रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तों चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, रिस्टार्ट के बाद दोस्तों आप चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. अगर नहीं होते तो आप अपने जो स्टेटस बार है उसको नीचे खींच के लेके आइए और ये जो रोटेट बटन है उसको आप क्लिक करके बंद करें. ठीक है, तो ये सेटिंग जो है दोस्तों, हम डायरेक्टली वहाँ पर जाते हैं और यहाँ से इसको बंद कर दीजिए. बंद करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखें, आपका ऑटोमेटिक जो रोटेशन है वो बंद हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप पहला प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं. अभी दूसरा प्रॉब्लम, आपने इस बटन को ऑन कर दिया फिर भी ऑटोमेटिक रोटेट जो है वो नहीं हो पा रहे, तो कैसे इसको फिक्स करें. इसको फिक्स करने का तरीका दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, पहले तो मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, रिसेंट बटन पर क्लिक करना है और सारे एप्लीकेशन को क्लोज ऑल करके क्लोज कर देना है. और ये जो बटन है उसको 5-6 बार ऑन ऑफ करते जाइए और उसके बाद लास्ट में ऑन करके एक बार ट्राई करके देखिए. ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा. तो इस तरीके से आप एक सॉल्यूशन कर सकते हैं. अभी दूसरा क्या कर सकते हैं, आप जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर और दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है. नीचे आपको मिलेगा सिस्टम अपडेट का ऑप्शन, तो सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाके आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें. सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स्ड हो जाएगा. न्यू वर्जन अवेलेबल, यहाँ पर अपडेट हाफ पे सेट सेव किया हुआ है. ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको अपडेट करना है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए और आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा और ऑटो रोटेट जो है काम कर जाएगा. तो इतना सॉल्यूशन आप कर लीजिए, ऑटो रोटेट का प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा. तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.